हमारे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चन है, जरूर वो मैं लेना चाहूंगा। आपके बाल क्यों नहीं है इसके पीछे या है नहीं, आप रखते नहीं हैं? कितने गए, कितने बचे? हाँ। तेल ये लगाऊं कि ये लगाऊं? हाँ। कि शैम्पू ये वाला कि ये वाला? वंडरफुल। फिर उसके लिए अलग से दही लगाऊंगा, गोमूत्र लगाऊंगा, फिर शैम्पू लगाऊंगा, फिर उसमें विटामिन सब। फिर मुझे दादाजी कहते बेटा तेरे बाल टाइम पे चले जाने चाहिए, नहीं तो पैसे बड़ा नहीं पड़ने का। अच्छा। और गंजे होने के बहुत फायदे हैं सर। मुझे कितने 3 साल हो गए, मुझे आईने की गुलामी खत्म। अच्छा। जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो मुझे जानते हैं, लेकिन व्यूवर्स हैं और अब आपके थ्रू में जिन लोगों से मिल रहा हूँ वो जानते भी नहीं है। और ये सवाल आना स्वाभाविक है, नेचुरल सा है, क्योंकि सभी रखते हैं और एकाध व्यक्ति कुछ अलग करे तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और सवाल लाजमी है आना। राइट सर, बहुत मासूमियत के साथ आंसर देता हूँ कि जो चीज जीवन में आपका ध्यान खाने लग जाए ना, एक तो मेरे कम थे। अच्छा। क्योंकि टाइफाइड हो गया था, तो टाइफाइड होने के बाद आपका दुनिया का कोई तेल लगा लो, चाहे आप पतंजलि लगा लो, चाहे हमारा, चाहे कोई किसी का, वो झड़ते जरूर है। तो एक तो जाने ही लग गए थे। फाइनली जब कम और ज्यादा का संघर्ष चल रहा था तो मेरा ध्यान खाने लग गए थे। अच्छा। कितने गए, कितने बचे? तेल ये लगाऊं कि ये लगाऊं, कि शैम्पू ये वाला कि ये वाला? वंडरफुल सर, मैंने जीवन में जैनिज्म से एक सिद्धांत सीखा है, शरीर से अशरीरी होने के बीच में सब छूटेगा। शरीर से अशरीरी होने के बीच में सब छूटेगा। हाँ। बस जीत उसकी होगी जो तुम्हें छोड़ने से पहले तुम उसको छोड़ दो। क्या बात है, क्या ये मुझे छोड़ रहे थे। हाँ। तो मेरा ध्यान खा रहे थे। इनके लिए मुझे फिर डॉक्टर बत्रा के जाना पड़ता, अरे भैया देखो चेक करो, फिर उसके लिए अलग से दही लगाऊंगा, गोमूत्र लगाऊंगा, फिर शैम्पू लगाऊंगा, फिर उसमें विटामिन। मैं एक साबुन से यहाँ से लेके यहाँ तक नहाता हूँ। और गंजे होने के बहुत फायदे हैं सर। मुझे कितने 3 साल हो गए, मुझे आईने की गुलामी खत्म। अच्छा। कंघे का लपड़ा खत्म, परिग्रह खत्म हो गया। अच्छा एक चीज और सर, ये डुप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हिंदू फिलोसॉफी इसको एग्री नहीं करेगी, लेकिन जैनिज्म फिलोसॉफी में केश को आप नहीं भी रखते हैं तो ये इजी है। सर आपके जो फैन है ना सर, अब देखिए रोड पे है ना, इसको डुप्लीकेट करने वाले हैं। अरे नहीं नहीं सर, मैं ऐसा नहीं ले बस। और मैं तो पूछूंगा, किसी के कम बाल होंगे तो मैं पूछूंगा कि हर्षवर्धन जैन साहब को जानते होगा। जो चीज मेरे को छोड़ती है मैं कोशिश करता हूँ उसके छोड़ने से पहले मैं छोड़ दूं। सर दो एग्जांपल देता हूं। सौरव गांगुली खेले जा रहा था, नहीं खेलूंगा। हाँ। तो रिटायरमेंट कितना बुरा हुआ। वीरेंद्र सेवा कह रहा था खेलूंगा, कितना बुरा हुआ। फिर क्रिकेट ने उनको छोड़ा। हाँ। लेकिन सचिन ने क्रिकेट उसे छोड़े उससे पहले छोड़ दिया, तो कॉलर ऊपर रहती है। एक दिन सर ये शरीर भी मुझे कहने लग जाएगा कि मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ, मेरा वादा है सर, उससे पहले मैं इसको छोड़ दूंगा। क्या बात है सर। तो जब लक्ष्य है शरीर से अशरीरी होना, ये मेरे जीवन का परम लक्ष्य है सर। और बाकी मेटरलिस्टिक चीजें तो संसार में सब मिल गई। शरीर से अशरीरी होने के बीच में तो सोचो सर, सब ये तो जल जाएगा, इससे मेरे को इतना मोह भी नहीं। ये तो क्या दिख गया लोगों को, दिख गया तो पूछ लिया, मेरे श्रृंगार का भी त्याग है। मैने जीवन, मेरे को 4 साल हो गए डीओ, क्रीम, शैम्पू, सेंट, वेंट, ये मैं कुछ भी नहीं लगाता हूँ। थैंक यू सो मच। तो इससे पहले कि इंटरव्यू खत्म हो, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।